सालों से नालियों का काम पेंडिंग था और पिछले जो काउंसलर थे काम कर रहे थे क्या नहीं, क्या ये नाली बनने से आपको सहूलत हुई? पहले नाली नहीं थी 15-20 साल से यहाँ। ये MLA साहब और हमारे काउंसलर साहब वार्ड नंबर 6 के समीर साहब, उनकी मौजूदगी में काम हो रहा है। 15-20 साल से नाली नंबर यहाँ पर रहती। बहुत बहुत शुक्रिया MLA साहब का और काउंसलर साहब का, मीडिया का। हमारे काउंसलर साहब समीर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 20-25 साल से नाली नहीं थी, यहाँ बेड का काम हो रहा है, नाली बन रही है, आप देख चुके हैं, आज तक कोई काम नहीं था इधर। MLA साहब का भी शुक्रिया करना चाहते हैं। तो नल की और नाली की और पानी की सहूलत यहाँ पर आपके वार्ड में मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह बोर और हर चीज़ की सहूलत है। नमस्कार आदाब, मैं सैयद, मुझे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में सभी भारतीय लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम एक खुशी की खबर ला रहे हैं। वार्ड नंबर 6 जो यहाँ पर कई सालों से नालियों के लेकर परेशानी लोगों को हो रही थी, यहाँ के लोग हमें फ़ोन करके बुलाए कि नालियों का काम पूरा होने को है, थोड़े ही दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक नाली बन रही थी और किस प्रकार की सहूलत आप यहाँ के जो स्थानीय काउंसलर हैं इनसे आपको मिली है। पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर फ़ोन करके बुलाए थे कि नालियों का काम हो रहा है यहाँ पर, आपके चैनल के माध्यम से बताइए कि वार्ड नंबर 6 में भी काम अच्छे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ के लोग बुलाए थे, इनसे जानेंगे कि साहब कितने सालों से नालियों का काम पेंडिंग था और पिछले जो काउंसलर थे काम कर रहे थे क्या नहीं, क्या ये नाली बनने से आपको सहूलत हुई? पहले नाली नहीं थी 15-20 साल से यहाँ। ये MLA साहब और हमारे काउंसलर साहब वार्ड नंबर 6 के समीर साहब, उनकी मौजूदगी में काम हो रहा है। 15-20 साल से नाली नंबर यहाँ पर रहती। बहुत बहुत शुक्रिया MLA साहब का और काउंसलर साहब का, मीडिया का। चलिए और एक भाई साहब से जानेंगे कि नालियाँ का काम होने के से आपको क्या सहूलत मिलेगी यहाँ पर? बहुत अच्छा है, न तो नाली का पानी पूरा रोड पे आ रहा था, नमाजी लोग को तकलीफ़ हो रही थी यहाँ पर बहुत। हमारे समीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो दो लोग बताए और एक लोग मौजूद हैं यहाँ के, मुबीन साहब बोलकर यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि इनके घर के सामने नाली बन रही है, तो किसको आपका इसको धन्यवाद करना चाहते हैं सर? हमारे काउंसलर साहब समीर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 20-25 साल से नाली नहीं थी, यहाँ बेड का काम हो रहा है, नाली बन रही है, आप देख चुके हैं, आज तक कोई काम नहीं था इधर। MLA साहब का भी शुक्रिया करना चाहते हैं। तो नल की और नाली की और पानी की सहूलत यहाँ पर आपके वार्ड में मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह बोर और हर चीज़ की सहूलत है। पहले नाली नहीं थी, अब नाली बन गई। काउंसलर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, समीर भाई का सहूलत हो रही है। तो आपके एरिया में और कुछ काम है क्या? नल का पानी आ रहा है, बोर का पानी सब काम हो रहा है क्या? कुछ कमी है आपके वार्ड में? नहीं, सब सब बराबर है, काम बराबर हो रहा है, काम बराबर। और यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम अच्छे से हो रहा है और नाली का काम चालू है और आज़म मस्जिद से और गोले खाना अहमद बाग वहाँ पे सब अच्छा काम हो गया है। और अपना वार्ड नंबर 6 में कुछ काम बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। MLA साहब और हमारे काउंसलर साहब MD समीरुद्दीन रहीम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अभी जो काम है इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आपने यहाँ के लोगों की ज़बानी देखी कि यहाँ पर नालियों का काम चल रहा है बहुत सालों से, जहाँ पर छोटी नाली थी, कुछ लोग बोलते हैं कि नाली नहीं थी बिल्कुल, छोटी नाली थी, अब बड़ी नाली हो रही है। MLA रहीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिम्मेदार हैं बाबा भाई और समीर भाई इस वार्ड के जिम्मेदार हैं, तो इनका शुक्रिया अदा भी हम भी करना चाहते हैं कि इसलिए कि हम भी यही वार्ड के रहने वाले हैं, इसी जगह पर हम वोट डाले थे, तो वोट डालने के बाद हमारे वार्ड में काम हो रहा, तो मैं भी एक वार्ड का रहने वाले के नज़रिए से देख रहा हूँ कि अच्छा काम हो रहा है।